हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्थ यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने एक फायरफॉक्स ओपन कर लिया। अब टाइप करना है cowin.gov.in, इंटर। इंटर करते ही आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। हमारा ओपन हो रहा है। इसे अब आ जाते हैं वैक्सीनेशन सर्विस पर। रजिस्टर मेंबर, सर्च वैक्सीनेशन सेंटर, बुक वैक्सीनेशन स्लॉट, मैनेज अपॉइंटमेंट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ बोल रहा है रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन। तो यहाँ इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर आप यहाँ डालेंगे। अब गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ इंटर करना है। हमारा ओटीपी आ चुका है। अब उस ओटीपी को डालते हैं। ओटीपी डालते ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हमारा सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। उस नंबर पे जिस मेंबर का रजिस्टर होगा उसका दिखेगा, क्योंकि मेरे नंबर पे दो है इसीलिए दो दिख रहा है। तो हम नीचे का करते हैं डाउनलोड। यहाँ शो सर्टिफिकेट, सो सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करते हैं। नीचे आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, सेव टू डिजी लॉकर या डाउनलोड। हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते हैं, आपको क्या देखते हैं तो हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो कर देंगे। डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो चुकी तरह से डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन करके दिखाते हैं आपको। अब हमारा सर्टिफिकेट पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। हमारा सर्टिफिकेट रहा है। आपका सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में ही डाउनलोड होगा। देखिए आ चुका है। बेनिफिशियरी डिटेल, वैक्सीनेशन डिटेल, तो सब मैंने एक ही डोज लिया है क्योंकि पूरा डोज नहीं लिया है। तो आप दोनों डोज लेने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट, या फर्स्ट डोज लेने के बाद भी कर सकते हैं। इसी तरह नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।